दोस्तों, ESN EWD के बीच में CSA T20 कप का जो नेक्स्ट मैच खेला जाएगा, उसमें अगर आप परसेंटेज के बेसिस पे एंड लास्ट मैच के परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपना आज का स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन बनाना चाहेंगे, तो आपका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पे जनता भी जेस नाइमैन को वाइस कैप्टन के साथ साथ एस मुथुस्वामी को कैप्टन बना के लेके आ रहे हैं। बट अगर आप इस मैच में 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस करना चाहते हैं एंड विन करना चाहते हैं, उसके साथ साथ ग्रैंड लीग में भी बेहतरीन रैंक लाना चाहते हैं, उसके लिए आपको आपके टीम में कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स ट्राई करने पड़ सकते हैं। तो वो सारे प्लेयर्स कौन हो सकते हैं? लास्ट मैच में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो बेंच में बैठे थे बट इस मैच में प्लेइंग 11 में आ सकते हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखिएगा अगर आप 3 मेंबर्स 4 मेंबर्स एंड ग्रैंड लीग में बेहतरीन रैंक लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ समझाना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो के शुरुआत में ही लगता है कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, वीडियो के बीच में जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आखिर में जो टीम कॉम्बिनेशन में दिखाऊंगा सिर्फ उसी को देख के एंड कॉपी पेस्ट करके आप इस मैच में हेड टू हेड में एंड स्मॉल लीग में जीत जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी साबित हो सकता है। क्योंकि पहली बात, ये मेरा फाइनल टीम नहीं होता है। दूसरी बात, टॉस जो भी चेंजेस होते हैं, कौन सा टीम बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, कौन सा टीम बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है, उसी के बेसिस पे फाइनल टीम बनाना होता है, फाइनल कॉम्बिनेशन बनता है, चाहे स्मॉल लीग का हो एंड ग्रैंड लीग का हो। ये मैं आपको एज अ डेमो दिखाता हूँ, सिर्फ उसी को देख के उसी को लगा के आप खुश बिल्कुल भी मत हो जाइएगा। दोस्तों, ये मैच खेला जाएगा आज शाम को 6 बजे से, मतलब 5:30 बजे के बाद इसका टॉस होगा। टॉस के बाद दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर एंड जो टॉस रिपोर्ट होता है वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, एंड जो फाइनल टीम जिससे मैं खुद खेलने वाला हूँ वो आपको मिल जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। दोनों का लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। जैसे कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे एक एरो साइन आपको दिख रहा होगा, इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे हमारा टेलीग्राम का लिंक एंड इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर एंड टॉस रिपोर्ट मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर मैच को लेके, एंड जो फाइनल टीम होगा आपको मिलेगा हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में हमारे साथ जुड़ जाना है एंड इस मैच में स्मॉल लीग में विनिंग करने के लिए तैयार रहना है। तो दोस्तों, वेन्यू के बारे में बात कर लेंगे। तो वेन्यू होने वाला है ब्लॉमफॉन्टेन, साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे T20 डोमेस्टिक मैचेस टोटल 19 खेले गए हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम 9 बार जीता है, बैटिंग सेकंड करने वाला टीम 10 बार जीता है। तो क्लियर कट फेवरेट्स आप ना ही बैटिंग फर्स्ट को बोल सकते हैं ना ही बैटिंग सेकेंड को बोल सकते हैं। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट है सिर्फ 148 का, अगर 160-165 तक होता है तो हम बोलते हैं कि काफ़ी अच्छे स्कोरिंग वो होने वाला है, बट ये सिर्फ 145-148 का एवरेज स्कोर बता रहा है, मतलब ज्यादा स्कोर यहां पे नहीं बनते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, स्कोरिंग पैटर्न पे अगर आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे यहाँ से बहुत कुछ चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 150 के नीचे 10 बार स्कोर बने हैं, बाकी 150 एंड 169 के बीच में 6 बार, बाकी 190 के ऊपर सिर्फ एक ही बार गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा सा लो स्कोरिंग ग्राउंड आप इसको कह सकते हैं, एंड इस ग्राउंड पर ऑलरेडी 9 मैचेस खेले जा चुके हैं, तो पिच थोड़ा सा स्लोअर साइड पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला, इस ग्राउंड पे इस साल CSA T20 कप का ऑलरेडी 9 मैचेस खेले जा चुके हैं। टोटल समरी में अगर मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं समझा ही देता हूँ आपको। देखिए, 143-8 बैटिंग सेकंड करने वाला टीम जीता, 144 का टारगेट था, आसानी से चेस डाउन हो गया, पेसर्स को 9 विकेट मिले थे, स्पिनर्स को 2 विकेट। सेकेंड मैच में 113 का टारगेट था, आसानी से चेस डाउन हो गया, स्पिनर्स को 5 विकेट, पेसर्स को भी 5 विकेट। यहाँ पे थर्ड मैच में देखेंगे 155 का टारगेट था, चेस डाउन नहीं हुआ, 155 तक गया तो टारगेट चेस नहीं हुआ, ये बात आपको ध्यान रखना है। पेसर्स को यहाँ पे 12 विकेट, स्पिनर्स को सिर्फ 2 विकेट।
नेक्स्ट मैच में देखेंगे, ये बारिश के कारण मैच थोड़ा सा छोटा हो गया था, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे टाइटन्स 157/7 किया, फिर से 155 प्लस गया एंड टारगेट चेज नहीं हुआ। बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता, पेसर्स को 8 विकेट, स्पिनर्स को 4 विकेट। नेक्स्ट वाला मैच में देखेंगे 129 का टारगेट था, आसानी से चेज डाउन कर दिया डॉल्फिन्स ने, बैटिंग सेकेंड करने वाला टीम जीता। उसके बाद 173 का टारगेट था, ये एक लौता मैच है जहाँ पे 170 क्रॉस हुआ फर्स्ट इनिंग में एंड वो चेज भी हो गया। बाकी सारे के सारे मैचेस में अगर आप देखेंगे कि 150 भी क्रॉस हुआ तो चेज होना मुश्किल हो गया था, बट ये लौता मैच था जहां पे 170 प्लस भी चेज डाउन कर दिया गया था। दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको दिखाना एंड समझाना चाहता था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं जो लास्ट 2 मैचेस इस ग्राउंड पे खेले गए थे वहाँ पे एक में 143 का टारगेट था जो चेज नहीं हुआ, यहाँ पे 156 का टारगेट था जो चेज नहीं हुआ। लास्ट दोनों के दोनों मैचेस में बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है। उसके साथ साथ स्पिनर्स का रोल देखिए कितना बढ़ गया है, जो शुरुआत में आपको 2 विकेट 3 विकेट से ज़्यादा स्पिनर्स रोल में आते हुए नहीं दिखते थे, वही 2 मैचेस में 6 विकेट और 5 विकेट निकाले हैं। और स्पेशली सेकेंड इनिंग में ज्यादा बॉलर्स एंड ज्यादा स्पिनर्स मुझे कहना चाहिए कि रोल में आ रहे हैं, ये बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ओवरऑल समरी अगर हम देख लेंगे तो 9 मैचेस में से 5 मैच जीता है बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम एंड सिर्फ 4 मैच जीत पाया है बैटिंग सेकेंड करने वाला टीम। बाकी पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 37 विकेट्स मिला था, सेकेंड इनिंग में मिला है 31 विकेट्स। वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 16 विकेट एंड सेकेंड इनिंग में 17 विकेट मिला है। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं या फिर रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियोस को देखते हैं बट अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो काइंडली इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के इस छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा एंड उसके बगल वाला जो बेल बटन आपको दिखेगा उसको दबा के ऑल ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हम जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। दोस्तों पिच के बारे में एंड ग्राउंड के बारे में तो हमने काफ़ी अच्छा नॉलेज गैदर कर लिया है, अब बारी बारी दोनों टीम्स के बारे में बात कर लेंगे। शुरुआत करेंगे हम ईस्टर्न स्टॉर्म से, लास्ट मैचेस में इन्होंने कैसा क्या परफॉर्म किया है हम पहले देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट मैच था इनका साउथ अफ्रीका अंडर-19 के अगेंस्ट था एंड 8 विकेट से मैच को चेस करते हुए जीत लिए थे। चेजिंग करते हुए डी रोसो इनके 66 किए थे, एस मासोंडो जो कि इनके विकेट कीपर बैट्समैन है 13 किए थे, ग्रैंड थॉम्सन इनके प्रीमियम ऑलराउंडर 3 ओवर्स किए थे, विकेटलेस गए थे बट 42 किए थे 27 बॉल्स पे, जेस नाइमैन 22 बॉल्स पे 49 किए थे, काफ़ी अटैकिंग खेले थे प्लस 4 ओवर कंप्लीट किए थे विकेटलेस गए थे, ए एरास्मस विकेटलेस गए थे 1 ही ओवर किए थे, के गोमेडे 3 ओवर किए थे और 3 विकेट निकाले थे, यहाँ पे थ्लोकवे 4 ओवर कंप्लीट किए थे 3 विकेट निकाले थे, एम आर्नल्ड इनके मेन बॉलर हैं बट लास्ट 2 मैचेस में कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव गए थे और 1 ही विकेट निकाल पाए थे, टी समेले ने 1 ओवर किए थे एंड विकेटलेस गए थे, ऐसा कुछ इनका फर्स्ट मैच में परफॉर्मेंस रहा था। दोस्तों जो लास्ट मैच इन्होंने खेला वो खेला था डॉल्फिन्स के सामने एंड टारगेट को लगभग चेस कर ही चुके थे बट आखिर में जाके हार गए थे। बाकी यहाँ पे भी डी रोसो का परफॉर्मेंस रहा था चेजिंग करते हुए 53 का, इनको ना बैटिंग फर्स्ट में थोड़ा सा रिस्क लेके छोड़ सकते हैं अगर आप ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और ईस्टर्न स्टॉर्म का इस मैच में बैटिंग फर्स्ट आता है तो आप डी रोसो को आसानी से रिस्क लेके थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। बाकी इस मसंडो विकेट कीपर बैट्समैन जो आपको कीपिंग से भी पॉइंट्स एंड ओपनिंग करने भी आ रहे हैं तो इनको आप ग्रैंड लीग में जरूर से ट्राई कीजिएगा। बाकी यहां से जी थॉम्सन इस मैच में भी 38 रन किए थे और 1 विकेट निकाले थे, 2 ओवर बॉलिंग किए थे। बाकी जी कुपमैन इस मैच में नंबर 4 पे आए थे, 15 रन किए थे, जेस नाइमैन 6 रन और 2 विकेट, एम आर्नल्ड फिर से इस मैच में काफी एक्सपेंसिव गए थे एंड विकेटलेस गए थे बट मैं आपको बताना चाहूंगा इनको ग्रैंड लीग में जरूर से ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बाकी ए इरास्मस 1 विकेट निकाले थे, 2 ओवर किए थे, सी ऑगस्टे भी 2 ओवर किए थे विकेटलेस गए थे, थ्लोकवे इस मैच में 3 ओवर किए थे 1 विकेट निकाले थे।
तो दोस्तों दोनों मैचेस को मिला के कौन से प्लेयर आपके लिए इस टीम से मस्ट पिक बन जाते हैं, देखिए डी रोसो 66 मस्ट पिक बन जाते हैं, दोनों ही मैचेस में अच्छे से परफॉर्म किए हैं। ग्रैंट थॉमसन बैटिंग एंड बॉलिंग आपको दोनों से पॉइंट्स दे सकते हैं, नंबर 3 पे बैटिंग प्लस 2 से 3 ओवर बॉलिंग, ये काफ़ी अच्छे ग्रैंड लीग के CVC बन सकते हैं। बाकी जेस नाइमैन भी अपने कोटे का 4-4 ओवर डाल रहे हैं, प्लस नंबर 4 नंबर 5 पे बैटिंग करने आ जाते हैं, ये भी एक मस्ट पिक बन जाते हैं। तो ये 3 प्लेयर हो गए। बाकी बॉलिंग से अगर आप देखेंगे थ्लोकवे जो कि दोनों मैचेस में विकेट निकाले हैं एंड के गोमेडे जो कि दोनों मैचेस में विकेट निकाले हैं, ये दो बॉलर्स भी अपने टीम में आ गए। तो यहाँ पे 5 प्लेयर्स हमारे टीम में लगभग सेट है इस पर्टिकुलर टीम से। बाकी अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके इस मैच में एम आर्नल्ड को ट्राई करना चाहो तो ज़रूर से कर सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि NWD का जो बैटिंग ऑर्डर है उतना कुछ खास स्ट्रांग नहीं है, बहुत अच्छे टेक्निकली स्ट्रांग बैट्समैन उस टीम में मौजूद नहीं है, तो एम आर्नल्ड इस मैच में काफ़ी अच्छे विकेट निकाल सकते हैं। तो इसीलिए एम आर्नल्ड को या फिर ए इरस्मस को आप ट्राई कर सकते हैं इस मैच में एज ए डिफरेंशियल पिक, क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज इन दोनों का ही कम मिलेगा। बाकी दोस्तों इस सेक्शन में मैंने स्क्वाड एनालिसिस किया है, मतलब स्क्वाड में जितने भी प्लेयर्स इनके मौजूद हैं हर एक प्लेयर का स्टैट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि ग्रैंट थॉमसन का आप देख ही सकते हैं 27 का बैटिंग से एवरेज है, 41 T20 इनिंग्स में एंड 39 मैचेस में 21 विकेट्स निकाल भी चुके हैं, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। रीसेंट फॉर्म भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। इस ऐसे ही हर एक प्लेयर का जो मैं रीसेंट फॉर्म है, कैरियर स्टैट्स है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आप यहां पे देख ही सकते हैं W कुल्टेनियस जो कि फर्स्ट मैच में नहीं खेले थे, सेकेंड मैच में भी नहीं खेले थे, अगर खेलते हैं तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, बहुत कम ओपनिंग करते हैं बट ज़्यादातर मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। बाकी थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ए इरस्मस के बारे में भी मैंने बताया है, जी कुप्पा जो लास्ट मैच में खेले थे इनके बारे में भी बताया था, एम आर्नल्ड का देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा था एम आर्नल्ड को मस्ट पिक बना लीजिएगा अगर आप ग्रैंड लीग का टीम बना रहे हैं और ग्रैंड लीग का कैप्टन भी बनाइएगा, क्योंकि 30 का एवरेज रखते हैं विद द बैट और 26 इनिंग्स में 33 विकेट्स निकाल चुके हैं T20 फॉर्मेट में, ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखना है। रीसेंट फॉर्म भी खतरनाक रहा है उनका, तो इसीलिए मस्ट पिक बन जाते हैं ग्रैंड लीग के टीम में। ओ हाँ, और एक प्लेयर जिनके बारे में मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर नैथन स्टेन को खिलाया जाता है, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, एक्सप्रेस पेस रखते हैं, डेथ में डालेंगे, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा नैथन स्टेन, बहुत 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 अच्छे बॉलर हैं। बाकी दोस्तों अब बात कर लेंगे नॉर्थ वेस्ट डायमंड्स टीम के बारे में, जिनको NWD भी कहा जाता है। लास्ट मैचेस का परफॉर्मेंस हम पहले देख लेंगे, जो फर्स्ट मैच उन्होंने खेला था डॉल्फिन्स के सामने, हालांकि डॉल्फिन्स काफ़ी स्ट्रांग टीम था, 121/8 ही बना पाए थे एंड डॉल्फिन्स ने आसानी से टारगेट को चेस डाउन कर लिया था। NWD के तरफ से W मार्शल 18 किए थे, ई बोथा 41 किए थे, उस मैच में हमारा डिफरेंशियल पिक था अगर आपको याद होगा तो, सिर्फ 15% का सिलेक्शन था और ये हमारे टीम में थे। इस पिल्ले 8 रन किए थे, बाकी एस मुथुस्वामी नंबर 4 पे आ गए थे, 10 रन किए थे और एक विकेट भी निकाले थे। बाकी एच पियर्टेज यहाँ पे 11 किए थे, बॉलिंग नहीं डाले थे। जे ओक्स इनके विकेट कीपर बैट्समैन 6 रन किए थे। एल सेनकुआ ने यहाँ पे 11 रन किए थे, 2 ओवर भी किए थे, लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग प्लस बॉलिंग भी कर लेते हैं पार्ट टाइम। बाकी ई हॉकमैन जो इनके तरफ से मेन बॉलर थे, 2 ओवर किए थे, विकेटलेस गए थे। एल जुमा यहाँ पे 2 ओवर किए थे, विकेटलेस गए थे। सी क्लासन यहाँ पे 2 ओवर किए थे, विकेटलेस गए थे। सी सेलेका यहाँ पे 4 ओवर किए थे और एक विकेट निकाले थे, हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव रहे थे। दोस्तों जो लास्ट मैच ये खेल के आ रहे हैं वहाँ पे NWD ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए साउथ अफ्रीका अंडर 19 जैसे वीक बॉलिंग अटैक के सामने सिर्फ 142/4 ही बना पाए थे। हालांकि साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम को ये 99 पे ही ऑल आउट कर दिए थे और मैच को जीत गए थे, वो अलग बात है, बट इससे आपको क्या नोटिस करना है, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, साउथ अफ्रीका अंडर 19 का टीम का बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा वीक है बट उनके सामने भी ये 150 क्रॉस नहीं कर पाए थे एंड जब स्ट्रॉन्ग टीम आया डॉल्फिन्स जैसा तो ये सिर्फ 121 तक ही बना पाए थे। इससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि NWD का जो बैटिंग ऑर्डर है वो कितना वीक है।
बाकी लास्ट मैच में इनका जो टॉप ऑर्डर था डब्ल्यू मार्शल कुछ खास नहीं कर पाए। ई बोथा यहाँ पे 21 किए थे, एस पिल्ले 60 किए थे एंड उन्हीं के वजह से स्कोर जो था 142 तक गया था, नहीं तो अब एक्सपेक्ट कर सकते थे इस मैच में 110-115 तक ही बन पाता। बाकी मुथुस्वामी यहाँ पे 32 रन्स प्लस 3 विकेट निकाले थे क्योंकि सामने साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम का बैटिंग ऑर्डर था जो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल था। बाकी एल सेनोकुआ ने 2 विकेट निकाले थे, सिर्फ 1.2 ओवर्स ही बोलिंग किए थे। यहाँ पे हॉकविन 3 विकेट निकाले थे, सी क्लासिन 3 विकेट निकाले थे, जुमा को इस मैच में भी विकेट नहीं मिला था एंड सी सेलेका यहाँ पे 1 विकेट निकाल पाए थे, 4 ओवर कंप्लीट डाले थे। दोस्तों इन दोनों मैचेस को देखते हुए NWD टीम के तरफ से कौन से मस्ट पिक बन जाते हैं फिर हमारे लिए, देखिए एस मुथुस्वामी को तो लेना ही है। यहाँ पे सेलकुवाने को आप थोड़ा सा रिस्क लेके ट्राई कर सकते हैं क्योंकि नंबर 5 पे बैटिंग प्लस पार्ट टाइम बोलिंग भी दे रहे हैं। यहाँ पे ई बोथा दोनों ही मैच में ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन दिए हैं एंड एस पिल्ले बहुत क्लासी बैट्समैन है, मस्ट पिक में रखिएगा स्पेशली अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो। बाकी बोलिंग से अगर लेना है तो ई हॉकविन इनके मेन बोलर है एंड इसके बाद सी सेलेका दोनों ही मैच में काफी अच्छे कंट्रीब्यूशन दिए हैं। तो ऐसे कुछ इनके मस्ट पिक्स बन जाते हैं 5 से 6 प्लेयर्स, इनमें से आप 5 प्लेयर्स भी ले सकते हैं, 4 प्लेयर्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सामने वाला जो ईस्टर्न स्टॉर्म टीम है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है NWD के तुलना में। दोस्तों यहाँ पे मैंने स्क्वाड एनालिसिस किया है जहाँ पे स्क्वाड में मौजूद हर एक प्लेयर के बारे में बात किया है। यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेयर है जो कि लास्ट दोनों ही मैचेस में नहीं खेले थे, निकी वेंडरबर्ग जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, रीसेंट फॉर्म देखिए इनका 41 एंड 15, 45 56 35 73 22, बैटिंग करते नंबर 5 नंबर 6 पे मतलब मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और अगर इस मैच में खिलाए जाते हैं तो डिफरेंशियल विकेट कीपर बैट्समैन के हैसियत से आप इनको ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं, आपको एक तरफा विनिंग करवा के दे सकता है। दोस्तों ऐसे ही हर एक प्लेयर के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, आप देख ही सकते हैं जैसे कि एल सेनेकुआ ने जेन्युइनली एक ओपनर है बट फिलहाल नंबर 5 पे आ रहे हैं प्लस बोलिंग भी पार्ट टाइम कर ही लेते हैं। यहाँ पे ई हॉकिन का भी मैंने दिखाया है 12 इनिंग्स में 13 विकेट, एच पियट्रिस यहाँ पे थोड़ा से नीचे जाएंगे, वेस्ले मार्शल जो कि 28 का एवरेज रखते हैं बट लास्ट दो मैचेस में कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए हैं, रीसेंट फॉर्म भी इनका ठीक ठाक रहा है। सी का जो कि कंसिस्टेंटली विकेट्स में रहे हैं एंड यहाँ पे सी ब्रिट्स भी आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे डुवन जेंसन भी आपको दिख जाएंगे, ये वाला बॉलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था बट अब तक परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों स्क्वाड एनालिसिस करते हुए एबेन बोथा के बारे में मैंने फर्स्ट वाले अपने वीडियो में बताया था जब इनका सिलेक्शन 10% के नीचे था, 44 का एवरेज इनका रहा है डोमेस्टिक मैचेस में, रीसेंट फॉर्म भी काफ़ी बेहतरीन है। एस पिल्ले के बारे में भी बताया था, T20 मैचेस में अब तक उतना बेहतरीन एवरेज तो नहीं रखते हैं पर रीसेंट फॉर्म जो डोमेस्टिक में खेला है काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं और लास्ट मैच में इन्होंने अपना क्लास दिखाया, 60 रन्स का पार्टनरशिप किए थे। दोस्तों स्क्वाड में और एक प्लेयर है जिनके ऊपर आपको स्पेशल ध्यान देना है जो है जे डिसेको, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर हैं और इस ग्राउंड पे ऑलरेडी बहुत सारे मैचेस खेले जा चुके हैं तो पिच थोड़ा सा स्लोअर साइड पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे एक्सपीरियंस स्पिनर आपके टीम में काफ़ी अच्छा रोल इम्पॉर्टेंट प्ले कर सकते हैं। 45 इनिंग्स में 49 विकेट से निकाल चुके हैं, काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा जे डिसेको को स्पेशली ग्रैंड लीग के टीम में अगर आज इनको खिलाया जाता है तो। कीपिंग सेक्शन में आएंगे, वहाँ पे आपको एन वेंडरबर्ग मिल जाएंगे जिनको नहीं खिलाया जा रहा, जैसे कि मैंने बोला अगर खिलाया जाता है तो डिफरेंशियल विकेट कीपर बैट्समैन के हैसियत से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बाकी एस मोसोंडो ग्रैंड लीग के मस्ट पिक होने चाहिए क्योंकि ओपनिंग करने आ रहे हैं प्लस आपको कीपिंग से भी पॉइंट्स दे सकते हैं एंड उन्हीं के टीम से 83% सिलेक्शन है जिनका, जो इन्हीं के साथ ओपनिंग करते हैं बट ये विकेट कीपिंग से आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं देंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है और ऐसे ही कैलकुलेटिव रिस्क आपको ग्रैंड लीग में लेना है। बाकी जे ओक्स जो नंबर 6 पे बैटिंग करने आ रहे हैं ग्रैंड लीग में, चाहो तो ट्राई कर सकते हैं नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं।
दोस्तों बैटिंग सेक्शन में आते हैं तो जी थॉम्सन मस्ट पिक बन जाते हैं, यहाँ से ई बोथा मस्ट पिक बन जाते हैं। दोनों अपने अपने जगह टॉप ऑर्डर में खेलेंगे एंड बहुत अच्छे फॉर्म में भी हैं। एल सेनकवा ने नंबर 5 पे बैटिंग प्लस 2 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो इसलिए एक सेफ सिक्योर पिक बन जाते हैं। बाकी थोड़ा सा नीचे जाएंगे, जे स्नाइमन नंबर 5 पे ये भी आ रहे हैं, प्लस 4 ओवर अपने कोटे का कंप्लीट डाल रहे हैं, टीम के कैप्टन हैं इसलिए मस्ट पिक बन जाते हैं, 154 पॉइंट्स अब तक दे चुके हैं। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में जाएंगे, इस मुथुस्वामी 95% सिलेक्शन के साथ मस्ट पिक बन जाते हैं हमारे लिए भी। इस पिल्ले वाइल बैटिंग फर्स्ट में ज़्यादा प्रेफर करूंगा, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे कुछ खास ऑप्शन नहीं है ए इरस्मस के अलावा, जो कि 1 से 2 विकेट आपको निकाल के दे सकते हैं। अगर 4 ओवर इनको कंप्लीट मिला तो मैं इनसे 2 विकेट तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, बट 4 ओवर इनको नहीं मिल रहे हैं ये वाला आपको ध्यान रखना है, तो इसीलिए 1 विकेट या फिर कोई भी विकेट आप इनसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। बाकी दोस्तों मैं ऑलराउंडर सेक्शन में एम आर्नल्ड को इस मैच में लेना प्रेफर करूंगा, क्योंकि सामने वाले टीम का बैटिंग ऑर्डर उतना मजबूत नहीं है, तो इसलिए एम आर्नल्ड मेरे थर्ड ऑलराउंडर पिक बन जाते हैं। बाकी बॉलिंग सेक्शन में आएंगे, ई हॉकी 92% सिलेक्शन के साथ अपने टीम में होना ही चाहिए। बाकी यहाँ से किए गुमेडे 93% सिलेक्शन के साथ आपके टीम में होना ही चाहिए। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, फ्लोकवे 81% सिलेक्शन के साथ अपने टीम में होना ही चाहिए। अब देखिए यहां पे सेलेका जो है काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म किए हैं, तो सेलेका को भी आप थोड़ा सा रिस्क लेके ट्राई कर सकते हैं। किनके जगह यहां पे आप थोड़ा सा रिस्क लेके ई हॉकिन के जगह सी सेलेका को ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा मूव साबित हो सकता है, क्योंकि सामने वाले टीम को भी पता है ई हॉकिन इनके मेन बॉलर हैं, तो उनको डिफेंड करने जा सकते हैं एंड उसी जगह सी सेलेका को अटैक करने के चक्कर में इनको विकेट मिल सकता है। दोस्तों होपफुली वीडियो में दिया गया स्टैट्स एंड एनालिसिस एंड मैच को लेके मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया आपको समझ में आया, अच्छा लगा, एंड कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर से करेंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इसी चैनल पर रोज़ाना आते रहते हैं और ऐसे ही नॉलेज हम प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। बाकी टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ही इस मैच का फाइनल टीम आपको मिलने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों फिलहाल मेरा ड्रीम इलेवन टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन रहा है, जहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन मेरे टॉस के ऊपर डिपेंड होगा। मैं यहाँ पे मुथुस्वामी को भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे एस पिल्ले को भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे ई बोथा को भी बना सकता हूँ, वाइस कैप्टन के लिए एम आर्नल्ड को भी मैं बना सकता हूँ, यहाँ पे किए गुमेडे को मैं बना सकता हूँ। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं CVC का मेरे हिसाब से, और मैं टॉस के बाद ही डिसाइड करूँगा कौन सा टीम बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, कौन सा टीम बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है, वो के बाद कि मेरे टीम में मेरे स्मॉल लीग के भी एंड ग्रैंड लीग के भी टीम में कौन से प्लेयर्स CVC बन सकते हैं, एंड उसी के बेसिस पे आपको पता चल जाएगा मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होने वाले हैं। इसीलिए इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। बाकी अगर कोई भी प्लेयर चेंजेस होता है, कोई भी प्लेयर नहीं खेलता है, वो भी हम टॉस के बाद चेंज कर लेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाकी इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको फाइनल टीम मिल जाएगा।